हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज डेट है, कितनी डेट है, 31st, लास्ट डे है आज अगस्त का। एंड अभी मैं जा रहा हूँ पन्ना के लोकल टेंपल्स को एक्सप्लोर करने। 5-6 मंदिर है यहाँ पे, तो अभी टाइम है खुलने में। तो अभी एक मंदिर आपने देखा ही, तो ऐसे ही कई सारे पुराने मंदिर है, तो उनको आज एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से एक 2-3 मंदिर दिख रहे हैं, बट अभी पेड़ आ गया तो नहीं दिख रहा है, बीच में वहाँ कहीं है तो वहाँ से दिख रहा है हमको। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको, हम भी देखते हैं यार। बचपन में देखे थे, तब से नहीं देखे, अब भूल गए वो कैसे थे। और ये श्यामा मंदिर, ये भी नया बना है बट अभी बंद है। ये एंट्री गेट है इसका, काफ़ी बढ़िया बना है बट बंद है अभी। चलते हैं जैन मंदिर की तरफ। यहाँ पर जितने भी घरों में शादी वादी होती है ना, आज भी उनका नाम लिख देते हैं भाई। भले पधारे जू 18 मई 2022 शिवानी संग प्रिंस, शुभ विवाह। विवाह है तो विवाह, तिलक है तो तिलकोत्सव। किधर चलना है, कोई भी रास्ता नहीं, इधर से चलना है, इस गली में चलते हैं। ये रहा दिगंबर जैन बड़ा मंदिर धाम पन्ना पारसपुरी, बट मंदिर अभी बंद है। कितने बजे खुलेगा भाई मंदिर, कितने बजे खुलेगा, कितने बजे टाइम है, कुछ 5:30, 1 घंटे अभी। साढ़े 9 हो रहा है एंड मैं वहां से आने के बाद सो गया। तो भाई भयंकर नींद लगी, सो गया मैं। अभी जस्ट 9 बजे मेरी नींद खुली, तब फिर मैं रेडी हुआ, फिर निकला हूँ। क्योंकि 7 बजे मंदिर ही खुलते हैं, होटल वाले ने बताया है, ऑटो वाले ने बताया था, 7 बजे मंदिर खुलते हैं। और मैं 5 बजे ही रूम पे पहुँच गया था लगभग, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास। तो जैसे ही लेटा मैं सो गया। कल भी रात में मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी और आज भी वही सीन था, तो इसलिए अब जाके फुर्सत मिली तो यहाँ पर आए हैं। बलदेव जी के मंदिर, एक काफ़ी ऊँचा मंदिर बना हुआ है। और ये मंदिर डेडिकेटेड है श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव जी को, बलराम जी जिनको बोलते हैं, तो उन्हीं को ये मंदिर समर्पित है। उधर एक छोटा सा और मंदिर बना हुआ है, वो पता नहीं किसका है, बंद है अभी। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं। मंदिर में एंट्री करते ही आपको गणेश जी और शंकर भगवान माता पार्वती की प्रतिमा दिखेगी। मंदिर है वो कुछ ऐसा है। वही एकदम सही टाइम पे आए, मंदिर बंद हो गया, दर्शन के लिए केवल खड़े थे पंडित जी, पर्दा तुरंत डाल दिया। चलो किस्मत अच्छी थी, दर्शन तो कम से कम मिल ही गए। एंड यहाँ पे ये पिलर जो देख रहे हो आप, एग्जैक्ट 8 पिलर हैं और 8 के 8ों सेम साइज़ के हैं और सेम हाइट के हैं। और काफ़ी बड़ा, काफ़ी सुंदर बना रखा है मंदिर, और काफ़ी पुराना भी है ये, अच्छा खासा रेनोवेट किया गया इसको। एंड ऊपर जो आप पेंटिंग देख रहे हो गोल्डन कलर की है, एंड बाकी सब नॉर्मल पेंट है, ऑयल पेंट यूज़ किया गया है। एंड कुछ भगवानों फोटो लगी हुई जैसे बलदेव जी की, वहाँ पे हल लिए हुए हैं। और ये मंदिर करीब 100 साल पुराना है, 1936 में ये बन के कम्प्लीट हुआ था। तो अभी 13-14 साल और हैं इसको 100 साल कम्प्लीट होने में, 86 ईयर ओल्ड हो चुका है ये। तो चलते हैं परिक्रमा लगा लेते हैं। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आरती का, घंटे और नगाड़े रखे हुए हैं। और इसका ये बैक डोर एंट्री, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है और आपको वो दूर से ही दिख जाएगा। ये मंदिर काफ़ी ऊंचा है, इस वजह से जब आप आओगे तो आपको दूर से ही दिख जाएगा। मतलब मेरा जहाँ होटल है वहाँ से मुश्किल से आधे किलोमीटर के डिस्टेंस में, 5 से 10 मिनट लगा मुझको यहाँ तक आने में। तो अभी प्रसाद चढ़ाया जा रहा है शायद, पंडित जी भूख लगा रहे हैं बलदेव जी को।
यहाँ से दर्शन तो हो गए, अब चलते हैं जुगल किशोर मंदिर जो कि अभी खुला होगा। पंडित जी ने बताया एकमात्र वही मंदिर है जो खुला होगा, तो चलते हैं। 10:30 बजे वो भी बंद हो जाएगा। ऐप लगा लिया अपना भाई, अब गूगल के भरोसे गलियों गलियों निकले जा रहे हैं। 6 मिनट का ETA दिखा रहा है, 500 मीटर की दूरी पे है एंड इसी रास्ते पे अभी सीधे जाना है। लेट्स सी पहुंच पाते हैं या नहीं, पहुंच ही जाएंगे। आ गई भाई यहाँ पे, तो एकदम सही टाइम पे पहुँचे और एकदम सही माहौल में पहुँचे। आरती जस्ट कंप्लीट ही हो चुकी थी तो भजन अजन चल रहे थे, मज़ा आ गई। ये होता है क्राउड में, मतलब सब एक साथ जब गाते हैं ना, जब हॉल के अंदर होते हो जो गूंज होती है उसकी अंदर तक हिला देती भाई, मज़ा आ गई, मज़ा आ गई। चलो कुछ तो अच्छा हुआ दिन जाते जाते, एक परिक्रमा लगा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से होटल के लिए एंड पेट पूजा भी करते हैं, कुछ खाते हैं सॉलिड आज। राधे राधे हरे कृष्णा। और ये भी ज़्यादा पुराना मंदिर तो नहीं है बट हाँ 100-200 साल लगभग इतना ही होगा। तो
चलते हैं अब, राधा रानी से विदा लेते हैं, किशन कन्हैया से विदा लेते हैं। अब विश्राम के लिए बढ़ते हैं आगे होटल की तरफ। उसके पहले कुछ खा पी लेते हैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, क्योंकि पेट भरा हुआ है। शहर हमारो सो गयो थोर, रात गजब की, लौकुश वाटका पन्ना, चौर सब और दिशो से लाली छाई रे, लाली तो नहीं छाई, कालिका छाई है। इस रात शहर में अंधेरे की बारिश आई रे। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। कहीं पे है झींगुर की आवाजें, सुनाई दे रही झींगुर की आवाजें। अभी मैं 700 मीटर दूर हूँ अपने विश्राम गृह होटल से। तो इधर है अपना होटल, बैठ चलते हैं, पहले एक कुल्फी खा लेते हैं, कुल्फी, उसके बाद चलेंगे। भूख कभी लग नहीं रही यार, पेट भरा भरा सा है। 11 बजे तक, वाह भाई वाह, अंधेरा बहुत है भाई, नहीं दिखेगी।